हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। बदलते सीजन्स के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेयर केयर, स्किन केयर रूटीन में भी थोड़ी बहुत चेंजेस लाते रहें। वहीं अगर हम बात करें हेयर केयर रूटीन की, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि विंटर्स में ऐसा होता है कि हमें हेयर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ डैंड्रफ, फ्रिज हेयर, ड्राई हेयर की प्रॉब्लम रहती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम रहती है, वहीं हेयर कलरिंग को भी लेकर एक इश्यू रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक हेयर पैक शेयर करूंगी, जिससे आपके हेयर आप नेचुरल तरीके से कलर भी करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बालों को डीप कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको डीप डिटॉक्शन तैयार करना है। इसके लिए आप एक सॉस पैन या फिर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 से 3 कप पानी लेंगे और 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। इसके बाद आप इसमें लगभग 6 से 8 लौंग थोड़ा सा क्रश करके उसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से 3 से 5 मिनट तक आपको खौलाना है। ये जो टी डिकॉक्शन हम तैयार कर रहे हैं ना, ये आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस टी डिकॉक्शन से होता क्या है ना, कि आपकी जो स्कैल्प में जो डेड स्किन है, जो डेड सेल्स हैं, ये अच्छे तरीके से उसे साफ कर देता है। हेयर फॉलिकल्स जो क्लॉग्ड हो गए हैं, उसे वो उस क्लॉग को हटाता है। सो दैट आप इसके बाद जो भी अपना नरिशमेंट के लिए आप कंडीशनिंग कर रहे हैं या फिर कोई हेयर पैक वगैरह यूज कर रहे हैं ना, तो ये अच्छे से उन पोर्स के थ्रू अब्जॉर्ब करता है। तो ये जो स्टेप है, इसे बिल्कुल स्किप ना करें, इसमें जरूर ऐड करें। और साथ ही अगर आप जब भी हेना नहीं यूज कर रहे हैं, हेयर पैक्स हेना वगैरह नहीं बना रहे हैं, आप सिंपली इस टी डिकॉक्शन को भी वैसे ही एज अ हेयर रिंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक लोहे की बर्तन लेना है, नहीं है कोई बात नहीं, आप दूसरा कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें नुपुर मेहंदी लिया है, आप कोई भी ब्रांड का अपने हिसाब से ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स के आसपास हेना पाउडर लिया है। आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो है हिबिस्कस पाउडर, जी हाँ, इसे हम गुड़हल भी कहते हैं। इसका आपको लगभग 2 से 3 चम्मच लेना है। हिबिस्कस पाउडर जो है आपके हेयर कलर को डार्क करने के साथ साथ आपके हेयर को नरिश भी करता है। और हिबिस्कस पाउडर को इस हेयर पैक में यूज करने का जो इम्पोर्टेंट रीजन है, जितने सारे मैंने हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वेदर बालों का फ्रिजी होना, ड्राई होना स्कैल्प, डैंड्रफ रहना बालों में, स्प्लिट एंड्स, बालों का झड़ना और एज से पहले ही बालों का सफेद होना, इन सारी प्रॉब्लम्स की ये रोकथाम करता है। अगर आपके घर या आसपास कहीं इसके प्लांट्स अगर मौजूद हैं, तो आप डायरेक्टली इनके फूल और पत्तियों को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टी डिकॉक्शन हमने तैयार किया है वो इसमें ऐड करना है, उतना ही ऐड करें जितने में ये अच्छे तरीके से मिक्स होकर एक अच्छा कंसिस्टेंसी फॉर्म करे। ना आपको इसको बहुत ज़्यादा लिक्विडी बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा मिलाकर मिक्स कर सकते हैं। ये जो टी डिकॉक्शन हम तैयार कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हेना को अच्छे तरीके से डाई रिलीज करने में मदद मिलेगी। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे, ये एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसे ढक कर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 7 to 8 hours आपको रखना चाहिए, सो दैट ये अच्छे तरीके से डाई फॉर्म कर सके। 7 से 8 घंटों के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से हेना से डाई रिलीज हुआ है, ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और रेडी है एप्लीकेशन के लिए। ये जो आप ऊपर ब्लैक सा एक लेयर देख रहे हैं ना, यही हमारा डाई अच्छे तरीके से यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो आप इसको आप मिक्स कर लें और बालों में लगाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। तो आइए देखते हैं इसे लगाना कैसा है। सबसे जो पहला काम है आपको हेना अप्लाई करने से पहले, वो है अपने बालों को कंघी से अच्छे से सुलझाना। तो अच्छे तरीके से बालों को आप सुलझा लें
बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद कोम्ब या फिर अपनी उंगलियों की मदद से हेयर पार्टीशन करें और एक साइड से दूसरी साइड लगाना शुरू करें। अगर आपके बाल छोटे हैं तो इजली आप पार्टीशन करके लगा सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हाथों से भी लगा सकते हैं। अगर आपको ब्रश से आपको सुविधा होती तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट हाथों से लगाएं। मैंने हेना एप्लीकेशन बोथ शोल्डर लेंथ और लंबे बालों में दिखाया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर 2-3 लिंक मैंने दिए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। हेना अच्छे तरीके से पूरे बालों में लगा लेने के बाद लगभग आपको 2-3 घंटे रखना है और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ कर लेना है। जी हाँ, आपको नॉर्मली प्लेन जो पानी है उससे आपको अच्छे तरीके से आपको हेयर रिंस कर लेना है और कोई शैम्पू या कंडीशनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको धोना है। फिर आपको उसी रात अच्छे से बालों में तेल लगाकर चंपी करनी है, मसाज करना है अच्छे से बालों को। और जो तेल आप यूज़ करते हैं, आप प्रेफरेबली कोई भी आपके पसंद का तेल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट, आलमंड, ऑलिव, जो आपको यूज़ करना है। आप अच्छे से अपने बालों को मसाज करेंगे। नेक्स्ट डे आपको अच्छे तरीके से शैम्पू कर लेना है। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल से बने रहने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एक्साइटिंग रेमेडी के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।